हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार अभी थोड़ा सा परेशान हूँ। अभी तो हमने देख ही लिया होगा यार, हमने जो मुर्गी अंडों पे बिठाई थी उसने अंडे जो है वो ख़राब कर दिए और तोड़ दिए हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ है। सुबह जब मैं खोलने आया तकरीबन कोई 10 का टाइम था या 9:30 का टाइम था, इस टाइम खोले आया मुर्गी को तो मैंने देखा है कि जो मुर्गी है उसे अंडे जो है तोड़ दिए हुए थे और कुछ जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। और मुझे नहीं पता क्या हुआ कि मैंने सारी मुर्गी और मुर्गों को भी इकट्ठे बंद किया हुआ था। तो मुझे नहीं पता, रोज़ करता है यार, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है। और इसने जो ब्लैक मुर्गी है उसको भी बहुत ज़्यादा ज़ख्म किया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये ब्लैक मुर्गी है, कोई जो चूज़ों की जो मदर थी। अब ये देखें यार, इसको इतना इसने ज़ख्मी किया हुआ है, इसका देखें सर बिल्कुल फाड़ दिया हुआ है। ये देखें इतने खूनों खून हुई है इसको। मैं यार मैं रोज़ बंद करता हूँ, लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ है, इसने क्या किया, अंडे भी सारे ख़राब कर दिए, अंडे भी तोड़ दिए, पता नहीं खा गई क्या किया है। और इस मुर्गी को देखें कितना ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया है। इन सारों को मैंने इस वाले केज में बंद किया हुआ था रात को, इस वाले केज में, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अब ये देखें, ये सारे अंडे तोड़ दिए हुए थे और कुछ तो अंडे जो वो इसमें मिक्स हो गए, मैं पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे बने हुए थे नहीं। लेकिन मुझे एक अंडा इसी दौरान मिला जब मैंने खोला, ये देखें मैंने ढांपा हुआ, ये देखें ये अंडा जो था मुझे मिला है, जो बाकी का तो कुछ नहीं पता चला कि कहाँ गए। ये देखें इसमें बच्चा जो है बिल्कुल बना हुआ था। मैं भी आपको दिखाता हूँ, कोई स्टिक लेके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसका जो मुँह है वो बच्चे का बिल्कुल बना हुआ है, बल्कि पूरा चूजा बना हुआ था। अभी ये मैंने मुझसे जो सुबह का जो अंडा पड़ा हुआ इसलिए वो ख़राब हो गया। मैं उस टाइम वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी था, कॉलेज का थोड़ा सा काम करने वाला था, वो कर रहा था। तो ये देखें यार, ये देखें इसका फेस है, ये वाला चूजे का फेस है, ये देखें ये ब्लैक चूज़ा था यार, ये देखें ये इसका फेस है, पूरा का पूरा चूज़ा बना हुआ था। और इस मुर्गी को तकरीबन हो भी गए थे कोई 12 दिन शायद हो गए हुए थे अंडों पर बैठे हुए। यार पता नहीं इसने क्या किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ है, अंडे पिए हैं इसने क्या, मुर्गी काली वाले ने इस अंडों को कुछ किया है, क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता चला। अभी आप अभी 3 अंडे जो थे वो बचे हुए थे, वो इसलिए क्योंकि वो नीचे आ गए हुए थे मिट्टी के, और जो भूसा जो डाला हुआ था उसके नीचे आ गए हुए थे, वो जो है वो बच गए थे। मुर्गी जो है हमेशा इसी तरह ही करती है, पिछली बार जब इसको अंडों पर बिठाया तब भी इसने यही किया था कि अंडे जो ख़राब हो गए थे, पता नहीं क्या करती है यार। इस दफ़ा इसने सारे अंडे पता नहीं पी गए, ये क्या किया है, तो कुछ भी नहीं बना। तो अभी 3 अंडे जो थे इसके बचे हुए थे, तो वो जो मैंने 3 अंडे हैं वो अंदर रखे हैं, उसको सुबह से उसके ऊपर बिठाया हुआ है। तो अभी इसको देखते कि वो क्या कर रही है, चले मेरे साथ। ये देखिए मैंने इसके अंदर इसको बिठाया तो हुआ 3 अंडों पर जो बचे हुए थे 3 अंडे, ये देखिए बैठी हुई थी अंडों पर। यार इसका पता नहीं क्या मसला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसने पिछली दफ़ा भी इसी तरह किया है, अंडे ख़राब कर दिए थे, तो इस दफ़ा भी यही किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप खुद बताएं, कमेंट्स में बताएं मैं क्या करूं। मुझे तो लगता है इस मुर्गी को बेच देना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? यार ये मुर्गी हमेशा इसी तरह करती है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, ये अंडे प्रॉपरली सही से देती है और ना ये अंडों पर सही से बैठती है। मुझे नहीं पता क्या करना है इसका, आप खुद मुझे कोई आइडिया दें या फिर इसको सेल कर देते हैं, कोई और इसकी जगह मुर्गी ले आते हैं। ये देखिए अंडा जो है बिल्कुल फर्टाइल है, ये देखें, और उस जो दूसरे अंडे थे उनमें से तो बच्चे भी बने हुए थे। पता नहीं क्या किया इस मुर्गी ने, ये हमेशा इसी तरह करती है। अब आप मुझे कोई कमेंट्स में बताएं मैं क्या करूँ, इस मुर्गी को सेल कर दूँ या जो भी है आप सोल्यूशन बताएं इसका। यार मैं बहुत प्रेशर हूँ, हर दफ़ा यही करती है ये मुर्गी। मेरे ख्याल से इसके अंडे जो हैं वो उधर ही रख देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये बैठ नहीं रही सही से, तो इसको दोबारा उधर ही बिठा देते हैं। मैं इसके अंडे उठा लेता हूँ और इसको उधर ही बिठा देते हैं दोबारा, क्योंकि इधर तो ये बैठ ही नहीं रही। इसके अंडे मैंने उठा लिए हैं, अब इसको उधर ही दोबारा जहाँ पर पहले बिठाया हुआ था उधर ही बिठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये बैठेगी नहीं सही से। इसके अंडे मैं रख देता हूँ जहाँ तक, ये मुर्गी है ही ऐसी यार, क्या करें इस मुर्गी का। चले अब इसके अंडे मैंने रख दिए, अब इस मुर्गी को लेके आते हैं, अब मुर्गी को लेके आते हैं, उसको बिठाते हैं इसमें। ये रही मुर्गी, इसको पकड़ते हैं, इसको अंडों पर जाकर दोबारा बिठाते हैं। बल्ला करे कि इसमें से बच्चे निकल आए दोबारा, क्योंकि इसका तो यही तमाशा है। पिछली दफ़ा भी इसने यही किया था, तो पहले भी इसको बिठाया था, इस दफ़ा भी यही कर रही है। यार अंडों पे भी सही बैठती है, पता नहीं क्या करती है, अंडे खा जाती है क्या करती है,
इसके अलग खुराक का इतना ध्यान, तीन टाइम इसको ये दो टाइम तो जरूर डालते हैं दिन में, दाना भी और पानी भी इसको पिलाते हैं, फिर पता नहीं क्या तमाशा करती है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आप इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में यार ज़रूर बताइएगा कि मैं इसका क्या सोल्यूशन, कोई मुझे बताए मैं क्या इसका हल निकालूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।